वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल्स ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस तरीके से, जैसे क्वेश्चनों में हमारे पास किस तरीके से, जैसे फंक्शन है, ठीक है, डिफाइंड है किस तरीके से, 5x-4, ठीक है, और 4x² - 3x कब 0 < इस तरीके से है, ठीक है, और 1 < = x < 2, ठीक है। और क्या करना हमने, चेक दी कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी। लेकिन कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी का कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, ठीक है। अब जैसे हमने चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, लेकिन कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब पॉइंट क्या क्या गिवन है हमारे पास, 0, 1, 2, क्या क्या है, 0, 1, 2, ठीक है। अब इनमें से कौन से पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। अब 0 के लिए है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी वहां पर चेक होगी जहां पर फंक्शन इसके इक्वल हो, f(x) 0 के इक्वल हो भी हो, ठीक है, फंक्शन 0 से छोटा भी हो, ठीक है, और फंक्शन 0 से बड़ा भी डिफाइंड हो इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे 0 के लिए है, 0 के लिए है, x फंक्शन 0 से बड़ा तो है, फंक्शन 0 से बड़ा तो है, क्या 0 के इक्वल है, कहीं पर भी 0 के इक्वल नहीं है, ना ही कोई भी एक कंडीशन जब सेटिस्फाई ना करे तो इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं कर सकती, ठीक है, इस तरीके से। अब है सेकंड के लिए, 2 के लिए, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, फंक्शन 2 के इक्वल हो, ठीक है, 2 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो, इस तरीके से डिफाइंड हो, ठीक है। अब जैसे फंक्शन 2 से छोटा है, ठीक है, 2 से छोटा है, लेकिन क्या 2 के इक्वल है, कहीं पर भी 2 से बड़ा है, नहीं, तो एट 2 कॉन्टिन्यूटी हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है। अब है पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब फंक्शन 1 के इक्वल हो, 1 से छोटा और 1 से बड़ा हो, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे फंक्शन 1 के इक्वल हो, 1 के इक्वल है, इक्वलिटी का साइन होता है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। फिर फंक्शन 1 से छोटा हो, 1 से छोटा भी डिफाइंड है, ठीक है, 5x-4, और फंक्शन 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा भी फंक्शन डिफाइंड है, तो तीनों ही पॉसिबिलिटी है यहां पर, तो कॉन्टिन्यूटी कहां पर चेक करनी है हमें, एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी पॉइंट दे रखा है तो ठीक है, लेकिन फाइंड आउट करना हो तो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट कब कब फाइंड आउट करते हैं, कब कब क्या था हमारे पास, सबसे पहले तो 0/0 फॉर्म हो उस केस में लिमिट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, या फिर क्या था सेकंड केस कि फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एट एक्स इज इक्वल टू, जैसे ये है, ए से छोटे के लिए फंक्शन डिफाइंड हो और ए से बड़े के लिए, इस तरीके से, जैसे ए वो पॉइंट है 1, 1 से छोटे के लिए भी डिफाइंड और बड़े के लिए भी, तो लिमिट फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस, अब a कितना हमारा 1 है, तो 1 माइनस, 1 माइनस का क्या मीनिंग है, 1 से छोटा, जैसे यहां पर तो fx, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब फंक्शन कौन सा लेंगे यहां पर, 1 से छोटा, इसका मतलब क्या, 1 माइनस का कि 1 से छोटी वैल्यू के लिए, 1 से छोटा कब है फंक्शन, 5x-4, इस तरीके से, ठीक है। फिर इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं, पुट करेंगे किसको, x को, a माइनस h, a हमारा 1, तो 1 माइनस h, ठीक है, और लिमिट किस में चेंज होंगी, h टेंस टू 0, ठीक है, 5 इंटू फंक्शन पे, फंक्शन में जहां पर भी x हो वहां पर 1 माइनस h पुट अप करेंगे, जैसे 5 इंटू है तो यहां पर पुट अप, ठीक है। फिर h को 0 रख के देखेंगे, ठीक है, 0 रख के देखा है यहां पर, तो क्या होया, 1 - 0 1, 5 इंटू 1 5,
फाइव माइनस फोर एच इट इज किसके बराबर है, वन के। ठीक है, जब कोई रियल वैल्यू आ जाए, वन क्या है, रियल वैल्यू है या फिर डिफाइंड हो, लिमिट क्या हो, डिफाइंड हो, ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी इस तरीके से रियल वैल्यू के लिए। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा यहां पर, वन प्लस, मतलब फंक्शन कौन सा लेंगे, वन से बड़ा, प्लस का मतलब वन से बड़ा, वन से बड़ा कहां पर है फंक्शन, इस तरीके से फोर एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स। ठीक है, फिर पुट करेंगे किसको, एक्स को, किसके इक्वल, ए प्लस एच था, ए हमारा वन, तो वन प्लस एच। ठीक है, फिर लिमिट किस में बदलेंगी, एच टेंस टू जीरो। ठीक है यहां तक, अब फोर इंटू फंक्शन पे जहां पर भी एक्स हो उसको वन प्लस एच पुट अप करेंगे, कहीं पर भी हो एक्स, अभी यहां पर है तो वन प्लस एच पुट करेंगे, इसका स्क्वेयर है इस तरीके से, फिर माइनस का साइन, थ्री इंटू एक्स की जगह वन प्लस एच। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एच को जीरो पुट अप करके देखेंगे, एच को जीरो पुट अप किया कितना हो यहां पर, फोर इंटू वन प्लस जीरो, वन का स्क्वेयर वन, तो फोर, माइनस का साइन, यहां पर जीरो पुट अप किया तो थ्री इंटू वन प्लस जीरो थ्री, तो किसके बराबर है, वन के। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट का मतलब रियल वैल्यू, और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के, दोनों का रिजल्ट सेम है, यहां पर भी प्लस वन है, यहां पर भी प्लस वन है, इस तरीके से। इसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, जब ये दोनों इक्वल हो, लिमिट एग्जिस्ट करे, क्या यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, किस पॉइंट पर, वन पर। ठीक है, इस तरीके से, तो क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब एफ ऑफ वन, जैसे एफ ऑफ ए था, ये हमारा वन, वन पर चेक करनी है। अब फंक्शन कौन सा लेंगे, वन के इक्वल, ठीक है, वन पर चेक करनी है तो वन के इक्वल हो, फोर एक्स स्क्वेयर, वन के इक्वल कहा है, फोर एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स, फोर एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स। अब x की जगह क्या पुट अप करेंगे, 1, ठीक है, 1, तो कितना होगा हमारे पास, 4 इंटू वन का स्क्वेयर माइनस थ्री इंटू वन, इस तरीके से, तो किसके बराबर है यहां पर, 4 माइनस थ्री वन। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर, राइट हैंड लिमिट के, और इनका रिजल्ट किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब एफ ऑफ वन के। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के लिए यही हमारी कंडीशन थी, तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, किस पॉइंट पर होगा, वन पर। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू वन, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, किस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास एक्स माइनस ए, ठीक है, इंटू वन अपॉन, जैसे कोस है यहां पर, कोस वन अपॉन एक्स माइनस ए, इस तरीके से, मतलब कोस थीटा है सिंपली, तो ठीक है, और कब होगा, जब एक्स नॉट इक्वल टू ए, मतलब ए के इक्वल नहीं होगा, ए के आसपास तो हो सकता है, मतलब ए से छोटा और ए से बड़ा। ठीक है, और जीरो होगा, कब होगा, एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, और क्या करना हमने, चेक कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, इस तरीके से। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम लिमिट। ठीक है, लिमिट, लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, मतलब ए से छोटा भी ए से बड़ा, दोनों के लिए फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू, लेफ्ट का मतलब ए से छोटा, ए से छोटे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस से, और ए माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, फंक्शन कौन सा है, मतलब ए से छोटा, मतलब ए के इक्वल ना हो, तो इस फंक्शन के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो क्या हमारे पास एक्स माइनस ए इंटू कोस वन अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, सबसे पहले यहां पर माइनस हो या फिर प्लस पुट करेंगे। ठीक है, पुट किसको करेंगे, एक्स को। ठीक है, ए माइनस एच। ठीक है, इस तरीके से। अब ठीक है, लिमिट किस में बदलेंगी, अभी एक्स किस गए, ए माइनस एच पुट अप करेंगे, ए से कैंसिल, तो लिमिट किस में बदलती है, एच टेंस टू जीरो, इस तरीके से।
ठीक है, और क्या होगा हमारे पास फंक्शन में जहां पर भी एक्स हो उसकी जगह क्या रखेंगे, ए माइनस एच। अब एक्स यहां पर तो ए माइनस एच माइनस ए एज इट इज इंटू में, ठीक है, फिर है कोस वन अपोन, ठीक है, एक्स की जगह ए माइनस एच पुट करेंगे और माइनस ए एज इट इज इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास यहां से लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एच टेंस टू जीरो होगा और यहां पर ए से ए कैंसिल, यहां पर भी सेम, ठीक है, ए से ए कैंसिल तो कितना होगा माइनस एच, मतलब माइनस तो साइन बार है, माइनस तो कॉमन ले सकते हैं, एच इंटू क्या बचेगा कोस अपोन माइनस वन बाई एच, ठीक है, इस तरीके से। अब कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के, ठीक है, कोस और सिकेंट के केस में जो माइनस है वो अंदर एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, तो क्या बचेगा माइनस साइन लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू कोस वन बाई एच, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे इसके बाद एच को हम जीरो पुट अप करके देखते हैं, ठीक है, लिमिट तब तक चलेगी जब तक कोई इनडिस्क्रिमिनेट या फिर नॉट डिफाइंड फॉर्म ना बने, ठीक है। अब जैसे h को जीरो पुट अप किया, यहां पर क्या होगा जीरो इंटू, ठीक है, क्या होगा जब यहां पर पुट अप करेंगे माइनस वन तो एज इट इज, ठीक है, यहां पर पुट अप किया h की जगह जीरो इंटू कितना होगा यहां पर कोस वन बाई जीरो इस तरीके से, ठीक है। अब जो ये फॉर्म है क्या हमारी ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, ठीक है, जीरो बाई जीरो फॉर्म तो है नहीं क्योंकि साथ में क्या कोस है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब जैसे कोस थीटा है, कोस थीटा है, इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है, मतलब थीटा कुछ भी रखें, थीटा की वैल्यू कुछ भी रखें माइनस वन के और वन के बीच में लाई करता है। और कोसाइन का ग्राफ किस तरीके से होता है हमारे पास, जैसे ठीक है यहां पर जीरो इस तरीके से पाई बाई टू, ठीक है, पाई इसी तरीके से माइनस में होगा और क्या होगा हमारे पास है? जैसे ऊपर होगा प्लस वन नीचे होगा माइनस वन, यहां पर जैसे एक्स एक्सिस ऊपर है वाई एक्सिस नीचे वाई डैश, ठीक है, और कोस का ग्राफ कैसे लाई करता है जैसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कोसाइन का ग्राफ होता है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, इस तरीके से। जैसे यहां पर पाई है आगे फिर क्या होगा थ्री पाई बाई टू, इस तरीके से ग्राफ मूव करता है कोसाइन का, ठीक है, कोस का इस तरीके से ग्राफ होता है, मतलब कोस थीटा की वैल्यू कुछ भी, थीटा यहां पर कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो उसकी कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगी, माइनस वन और वन के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू होगी या फिर रियल वैल्यू, रियल और फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है, कुछ भी हो एंगल, तो क्या होगा हमारे पास जैसे यहां पर कोई फाइनाइट वैल्यू कुछ भी हो, कोई रियल वैल्यू है और जीरो इंटू वो रियल वैल्यू किसके रिजल्ट में होगी, किसके बराबर होगी, जीरो इंटू समथिंग जीरो इस तरीके से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हमारे पास जीरो के, ठीक है, इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा हमारे पास सिंपली, यहां से राइट हैंड लिमिट के लिए जैसे यहां पर राइट हैंड लिमिट क्या होगी, फंक्शन सेम रहेगा, यहां पर जब राइट हैंड लिमिट होगी तो क्या होगा एक्स को ए प्लस एच पुट करेंगे, ठीक है, एक्स को ए प्लस एच यहां पर सेम होगा, यहां प्लस का साइन यहां पर प्लस का साइन, ये माइनस कैंसिल हो जाएगी इस तरीके से राइट हैंड लिमिट के लिए, तो यहां पर भी कोस वन बाई एच बचेगा, वो भी फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है हमारे पास कि कोस वन बाई जीरो कोई फाइनाइट वैल्यू रिजल्ट होगा इसका, और इसलिए यहां पर जीरो के इक्वल है और राइट हैंड लिमिट भी जीरो के बराबर है, ठीक है, जीरो के इक्वल होगी और जो वैल्यू है हमारे पास गिवन है ए पर वो भी जीरो है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो, राइट हैंड लिमिट भी जीरो और वैल्यू भी जीरो, तो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस कहां पर एट एक्स इज इक्वल टू ए पर इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।